सो हेलो एवरीवन। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन नेवी एमआर में इस बार कितने कैंडिडेट पीएफटी के लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था इस टॉपिक पर, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो बना देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और जैसे कि इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा पीडीएफ दिया जा रहा है तो उसे भी जाके ले लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी 7 से 8 नंबर आपके एग्जाम्स के लिए फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। देखिए, हम लोग का यही टॉपिक है कि पीएफटी में इस बार कितने कैंडिडेट जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और यहाँ पर देखिए सी में आप देखेंगे रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अनाउंसमेंट टेंटेटिवली आफ्टर 30 डेज। तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। उसके नीचे थोड़ा मोटा जो है, मतलब फॉन्ट में लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1200 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पीएफटी एंड प्रिलिमिनरी रिक्रूटमेंट मेडिकल जो होता है एग्जामिनेशन। तो ये दोनों जो होगा आपका मेडिकल, जो पीएफटी और मेडिकल, यहाँ पे देख सकते हैं पीएफटी और मेडिकल जो होगा, यहाँ पे 1200 कैंडिडेट लोग जाएंगे। ठीक है, यानी कि 400 पोस्ट निकाली गई है, तो 4 × 3, यानी कि 4 × 3 का मतलब चढ़ती यही 1200 कैंडिडेट टोटल हो गए, यानी 3 गुना वैकेंसी से 3 गुना हम कैंडिडेट को बुलाएंगे पीएफटी के लिए और मेडिकल के लिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, तो अब मान लीजिए कि उसके बाद मेडिकल के बाद क्या होता है, मेरिट ही बनता है। तो ये जो मेडिकल होगा आपका, जो टॉप मेडिकल पीएफटी तो हो जाएगा। मान लीजिए आपने पीएफटी क्लियर कर लिया 1200 लोगों ने, मान लीजिए कि 1200 लोग में आपने 1200 लोग ही पीएफटी क्लियर कर लिया, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, ये तो सब लोग को मालूम है कि 1200 में 1200 नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे कोई कहेगा कि हम कर लेंगे तो होगा ही नहीं, 1200 में 1200 में से एक ना दो जरूरी कम होगा। खैर, उसके हम बात नहीं करते हैं। तो 1200 मान लीजिए कि ये हो गया पीएफटी के लिए, तो मेडिकल के लिए भी 1200 ही जाएंगे। ऐसा मत सोचेगा कि 1200 तो यहाँ पर पास कर लिए तो आगे नहीं जाएंगे, नहीं, बिल्कुल जाएंगे। और जिन लोगों का जो डाउट चल रहा है कि कितने कैंडिडेट जाएंगे पीएफटी में, तो आप ध्यान रखना कि अगर जो भी बच्चे मन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब देखिए सोच रहे कि अरे यार 400 पोस्ट आई है और वैकेंसी 400 है, तो 400 पोस्ट के लिए अब 4.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे कितना, मतलब वो करना है कंपटीशन। तो कंपटीशन तो आपका जो, मतलब 4.5 लाख बच्चों के ही मतलब लेवल में करना है ना। तो अब मान लीजिए अगर जो बच्चा एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, तो समझो कि उनको अब तो अगला स्टेप तो क्लियर हो गया, 4.5 लाख बच्चे से तो हम तो निपट गए, अब तो मुझे 1200 से ही हमको आगे ना करना है, वो करना है काम। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मेरे बात को। अब 1200 कैंडिडेट से अब आपको लड़ना होगा, भाई हम मेडिकल के लिए लड़ रहे हैं या फिर आप मेरिट के लिए लड़ रहे हैं, जैसे भी हो सके आप 1200, यानी कि जो हम लोग का टॉप जो है स्थान, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए इतना मेहनत करो, क्योंकि ये जो आपका कंपटीशन है, मान लीजिए कि 4.5 लाख बच्चों के, ये अगर आप क्लियर करके जाते हैं मेडिकल में, तो आपको फ़ायदा कितना मिलता है, 1200 ही कैंडिडेट का मतलब वहाँ पे लेवल रहेगा, मतलब बच्चे रहेंगे, तो 1200 से ही आपका कंपेयर किया जाएगा ना, ऐसा तो नहीं कि 4.5 लाख। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये सब लोग नहीं बताएंगे शायद। तो अगर जो लोग का डाउट चल रहा है कि कितने कैंडिडेट, तो 1200 कैंडिडेट जाएंगे पीएफटी और मेडिकल के लिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सब चीज़ आपके सामने है, और यहाँ पे रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस टेंटेटिवली आफ्टर 30 डेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ सब क्लियर है, जो भी है नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बताना था आपको, कि मेन इंपॉर्टेंट यही था कि 4.5 लाख आप मत रखना दिमाग में, अपने एग्जाम क्लियर करने का मतलब माइंड में बैठा लेना। ठीक है, बात समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर 1200 से ही आपका कंपेयर रहेगा, भले 4.5 लाख से नहीं। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं इस बात को, पूरा अच्छे से एकदम पूरा माइंड में बैठा लीजिएगा कि हम सोचो तो पढ़ाई कर रहे हैं 1200 ही कैंडिडेट के लिए। ठीक है, हाँ खैर, ये तो बात तो ये तो होगी कि भाई जो हम लोग का कट ऑफ आएगा वो तो 4.5 लाख के ही लेवल पर बनेगी, ये तो है, लेकिन अपने दिमाग में मोटिवेट होकर करना कि भाई नहीं, हम 1200 ही कैंडिडेट में मतलब ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, ये दिमाग में रखना, इतना परिश्रम करना कि एग्जाम निकल जाए, उसके बाद जो पीएफटी होगा देखा जाएगा, पीएफटी क्लियर होगा मेडिकल क्लियर होगा देखा जाएगा आगे, डरना नहीं है बस। ठीक है, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, और क्लास भी शुरू है आप लोग को पता होगा। ठीक है,
तो बस यही छोटा सा अपडेट बताना था। अगर आप लोग ये अपडेट अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और सभी दोस्तों को ये चीज़ ज़रूर बताना कि 4.5 लाख नहीं, आपके लिए समझो तो 1200 ही है, ठीक है। तो बस, और एक और चीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का और दो बुक का है। तो जिनको जिनको जो पसंद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ का लिंक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, दो बुक का है, तो आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए कि कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट लिंक है, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, और जैसे कि आज मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, और ओनली फॉर एक किया था तो मॉर्निंग में ही किया था, तो देखिए थोड़ा सा तबीयत तो डाउन ही चल रहा है, लेकिन कल से मैं ट्राई करूँगा कि 2-3 वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन एक यूट्यूब की तरफ से अपडेट भी शायद मुझे मिल गया है, एक मेरे दोस्त बताए हैं स्टूडियो विद अभिषेक कि भाई एक दिन में 3 ही नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया यूट्यूब के तरफ से, और बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि हम लोग भी परेशान हो रहे थे कि यार नहीं गया, वो गया, ऐसे गया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और, देखते हैं वीडियो, और हो सकता है तो साइंस का हम लोग का सेशन या फिर जनरल अवेयरनेस का सेशन मैं करवा दूंगा अभी, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।